कितना पोलिंग बूथ यहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पे 5 है पटना कॉलेज में। 5 बना जी। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? हाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्रॉस का साइन लगा? जी जी क्रॉस का साइन लगाना है। थोड़ा अनोखे तरीके से इस बार चुनाव हो रहा है। जी जी। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आज तमाम पदों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वोटिंग होना है और इस वक्त हम पटना कॉलेज में हैं। देखिए, यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुका है, तमाम सुरक्षा के दो इंतज़ाम हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्री करेंगे अंदर में, और अंदर में जाकर वो देखिए किस तरह से अंदर में पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। कितना पोलिंग बूथ यहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पे 5 है पटना कॉलेज में। 5 बना जी। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? हाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उत्साह देखा जा रहा है स्टूडेंट्स में? हाँ उत्साह तो है, बहुत जोर शोर से है। जोर शोर से जी। देखिए, तो ये 5 यहाँ पर पोलिंग बूथ बना हुआ है, अंदर में स्टूडेंट्स जो हैं वो जाएंगे किस तरह से, जो भी देखिए किस तरह से वो तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पूरे वोटिंग को करवाना है। स्टूडेंट्सों में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है, चूँकि अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत में काफ़ी जो है स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, मगर धीरे धीरे जो है वो स्टूडेंट्स पहुँचेंगे, क्योंकि हर छात्राओं को इसमें भाग लेना है। और अगर हम बात करें पूरे पटना यूनिवर्सिटी की, तो 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो है वोटिंग होगी। और छात्र संघ चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी में कुल 51 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 24,395 छात्र छात्राएं आज मतदान करेंगे। चुनाव में कुल 306 बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्रों में मतदान को लेकर भरपूर उत्साह है। और अगर हम बात करें पटना वुमेन्स कॉलेज की, तो हमारे सहयोगी अनुकूल तिवारी ने भी आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर जो छात्राएँ हैं वो लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, अपने जो भी उम्मीदवार है उसके सामने जाकर क्रॉस का साइन लगाना। जी जी क्रॉस का साइन लगाना है। थोड़ा अनोखे तरीके से इस बार चुनाव हो रहा है। जी जी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कितना उत्साह आप लोग? बस उत्साहित हैं। उत्साहित हैं, फर्स्ट टाइम वोटिंग करने आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं? हाँ फर्स्ट टाइम। आपका भी फर्स्ट टाइम? तो आप लोगों में कितना इंटरेस्ट है, कितना उत्साह? बहुत इंटरेस्ट है, फर्स्ट टाइम इस बार है, कॉलेज फर्स्ट ईयर हम लोग का है। किन किन मुद्दों पर इस बार वोट करने के लिए लोग खास तौर पर आएंगे? कॉलेज के जो समस्या है उसके मुद्दे पे मतलब हम लोग आए हैं। पोलिंग एजेंट बने हैं, जिनके उम्मीदवार का उनका सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, जो कॉलेज का लेवल का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए कितने बजे तक यहाँ पर वोटिंग चलेगा? वोटिंग लगभग 4 बजे तक, जितने वोटर आएंगे 2 बजे तक। हाँ सॉरी 2 बजे तक है, 8 से 2 तक के बीच। हाँ 2 बजे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे और वोट दे सकते हैं। वोट दे सकते हैं, अपने कतार से आए और अपने बूथ नंबर पे जाके, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है उनका नाम, वहाँ पे जाके और अपना बूथ नंबर देख के आप अपने बूथ पे आके वोटिंग कर सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पर क्या कार्य है? हमारा काम है कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको नहीं पता है कि बूथ कितना मेरा रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, तो डिपार्टमेंट वाइज और उनके रोल नंबर वाइज या सीरियल नंबर वाइज उनका हम लिस्ट निकाल के यहाँ पे नाम देके मदद करते हैं। हाँ कि आपका रोल नंबर इतना है। तो देखिए आगे में हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये देखिए PUSUE यानी पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2022 19/11/2022 पटना कॉलेज का ये है। और ये प्रशासनिक भवन है, देखिए बूथ संख्या ये 4 है। मतदाताओं की क्रम संख्या जो है 16,117 से लेकर 16,616 तक यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे। तमाम जो स्टूडेंट्स बैठे हुए, स्टाफ्स बैठे हुए पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कार्यरत रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो मतदान करवा रहे हैं। अगर हम बात करें पटना पुलिस की, तो देखिए किस तरह से जो भी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और धीरे धीरे अब स्टूडेंट्स जो है वो पहुँच रहे हैं। देखिए सामने में वही बैलेट बॉक्स रखा हुआ है और उसी में जाकर क्रॉस लगाना है, यानी जो पर्चा मिलेगा उस पर क्रॉस लगाकर अपने जो भी उम्मीदवार को आप चिन्हित करना चाहते हैं, या जो भी तमाम पद, अगर बात करें प्रेसिडेंट की यानी अध्यक्ष पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए या ट्रेजरर के लिए, तो वहाँ पर आप जाके क्रॉस का साइन लगाइए और वहाँ पर जाके इस तरह से आपको वोट देना है। सामने में बैलेट बॉक्स हमने आपको दिखाया और देखिए अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुँचने लगे। यही तस्वीरें हम आपको पटना कॉलेज से दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। 8 बजे से लेकर कुल 2 बजे तक वोटिंग की जानी है। और अगर हम बात करें तो कुल 24,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या फिर मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, उन्हें आज वोट देना है। और अब देखना है कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तमाम जो कॉलेजेस आते हैं, चाहे हम बात करें पटना वुमेन्स कॉलेज की, मगध महिला कॉलेज की, वाणिज्य की,
या फिर जो भी कॉलेजें हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं, तो वहाँ पर वोटिंग किस प्रकार से चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना कॉलेज से, अशोक राजपथ के इलाके से। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।